चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से हो चुकी है, वहीं इसका समापन 17 अप्रैल को होने जा रहा है। नवरात्रि की अवधि में 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों में से अष्टमी और नवमी तिथि को सबसे खास माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कैसे करें। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। महाअष्टमी या नवमी के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। इसके बाद कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और एक लड़के को आमंत्रित करें। पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद सभी कन्याओं के साफ पानी से पैर धुलाएं और साफ कपड़े से पोंछकर आसन पर बिठाएं। फिर कन्याओं के माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद कन्याओं के हाथ में कलावा या मौली बांध दें। एक थाली में घी का दीपक जलाकर सभी कन्याओं की आरती उतारें। आरती उतारने के बाद कन्याओं को भोग में पूड़ी, चना, हलवा और नारियल खिलाएं। भोजन के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। आखिर में कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले लें। अंत में उन्हें अक्षत देकर उनसे थोड़ा अक्षत अपने घर में भी जरूर छिड़काएं। ध्यान रहे, कन्या पूजन करने के बाद आप हवन भी जरूर करें। हवन के बाद ही व्रत का पारण करने का नियम है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।